हिंदी दिवस है। इस मौके पर रांची के विकास भवन सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रमंडल ये राजभाषा दक्षिणी छोटा नागपुर, प्रमंडल रांची और जिला प्रशासन की ओर से संयुक्त रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर राजभाषा के उपनिदेशक गौतम कुमार, उप विकास आयुक्त दिनेश कुमार यादव और SDO उत्कर्ष कुमार समेत कई लोग शामिल हुए। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल आयुक्त अंजनी कुमार मिश्र ने कहा कि हिंदी भाषा देश की एकता के सूत्र में बांधती है। सबसे पहले के प्रणेता रहे हैं महात्मा गांधी, इन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज पूरे भारत में यूज होना चाहिए, जो कि बाद में कालांतर में हिंदुस्तानी, चूंकि ये मिश्रण था हिंदी और उर्दू का, फिर रिजोल्यूशन हुआ 14 सितंबर 1949 में, हालांकि उस समय महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हम लोग के बीच नहीं थे, कि हिंदी को हम लोगों ने हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। बहुत अच्छा कदम था। ऑफ कोर्स राष्ट्रभाषा तो नहीं बन सकी, लेकिन राजभाषा के रूप में स्वीकार्यता बढ़ी। लेकिन बाद में राजनीतिक कारणों से भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा हुआ, राज्य का गठन हुआ, तो थोड़ा हिंदी का जितना इसका स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। खबरों में